तो दोस्तों आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगा जो बड़ौदा राजस्थान क्षेत्र ग्रामीण बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है ना, उससे आप पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे फ्रेंड को। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। तो आज के स्टूडियो में बिल्कुल आपके सामने लाइव आपको पैसे भेज के बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप अगर इस एप्लीकेशन से पैसे भेजते हैं तो आपका यहाँ पे चार्ज भी लगेगा। चल झूठा। तो वो चार्ज कब लगेगा वो आपको बता देता हूँ कि जब आप बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से किसी दूसरे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अगर पैसे भेजते हैं तब आपका कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगता। अगर आप बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से किसी दूसरे बैंक में अगर पैसे भेजते हैं जैसे SBI PNB हो गया, तो दूसरे बैंक में अगर आप पैसे भेजोगे तो आपका इसमें चार्ज कटेगा। मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ रहे हो? तो राजस्थान से बड़ौदा राजस्थान में आपका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा, दूसरी बैंक में आपका चार्ज लगेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। अब आपको सिंपली पैसे भेजने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे इंस्टेंट फंड ट्रांसफर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप उसके अकाउंट नंबर डायरेक्ट उसके अकाउंट नंबर पर भेजना चाहते हैं तो आपको सिंपली टू अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल नंबर से भेजना चाहते हैं तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं अकाउंट नंबर से भेज के बताऊंगा, क्योंकि यार मोबाइल नंबर से भेजने में आपको बहुत यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो आप मेरी राह मानो तो आप ही अकाउंट नंबर से इसमें पैसे भेजना। तो मैं सिंपली अकाउंट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको सिंपली वापस इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी आपको सिंपली यहाँ पे करना क्या है, जिसको भी आप पैसे भेजना चाहते हैं ना उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, उसका यहाँ पे IFSC कोड डाल देने और अमाउंट डाल देने और रिमार्क में आप इस कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि किस लिए आप इसको पैसे भेज रहे हैं। तो आप सिंपली इमरजेंसी रिक्वायर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रिचार्ज, तो आप जो भी लिखना चाहे वो यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों आपको IFSC कोड कैपिटल लेटर में डालने हैं सारे के सारे। उसके बाद अब आपको सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद अब आपको उसका अकाउंट किस टाइप है, यानी सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आप उससे पूछ लेना उसका अकाउंट किस टाइप का। तो मेरा यहाँ पे सेविंग है तो मैं सेविंग पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद अब आपसे यहाँ पे कन्फर्मेशन पूछ रहा है, आप चेक कर लेना अपने अकाउंट नंबर सही है या नहीं। अब आपको सिंपली कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करते अब आपको अपने MPIN यहाँ पे एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे वेट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना। तो मैं आपको मेरी हिस्ट्री भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये मेरे कटे या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 5,000 रुपये यहाँ पे मेरे कट चुके हैं और उसके बैंक अकाउंट में चले गए। तो दोस्तों इस तरह पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।